अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं भगवती दास गौतम एक्स प्रधान ग्राम पंचायत कुंडलू को आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ। नालागढ़ चुनाव क्षेत्र को मैं नव वर्ष के ऊपर हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी का ये आने वाला जो नव वर्ष है मंगलमय हो और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं अश्विनी कुमार सभी नालागढ़ वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि सबका नया साल आने वाला नया साल खुशियां भरा हो। वर्ष 2018 अब अलविदा कहने जा रहा है व वर्ष 2019 का आगमन होने जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। नव वर्ष को देखते हुए सोलन पुलिस अलर्ट पर है। आज वर्ष का अंतिम वीकेंड है। आज से बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का दबाव प्रदेश में बढ़ गया है व यह नव वर्ष तक और अधिक बढ़ेगा, जिससे निपटने के लिए पुलिस तैयार है। नव वर्ष के आगमन में नशे में गाड़ी चलाते हुए कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए सोलन पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु से लेकर सोलन तक पुलिस अलर्ट पर है। नव वर्ष पर किसी को किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए पुलिस ने विशेष प्रबंध किए हैं। पुलिस बाहरी राज्यों से आने वाले हुड़दंगियों पर नकेल कसने की तैयारी में है व शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं वर्ष 2019 के आगमन से पहले होटल भी सजने में लगे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने नव वर्ष पर लोगों से आह्वान किया है कि वह हुड़दंगबाजी से दूर रहे व अच्छे से नव वर्ष की शुरुआत करें। उन्होंने कहा है हुड़दंगियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु से लेकर सोलन तक सोलन पुलिस का विशेष पहरा रहेगा व हुड़दंगियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और लोगों से भी मेरी अपील है कि वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करें बट किसी भी तरह का कोई हुड़दंगबाजी या लॉलेसनेस क्रिएट ना करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगभग जो है 5 रिजर्व्स हमारी एक्स्ट्रा रहेंगी जो इंटरनलाइज हम लोग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट से 2 रिजर्व्स ऑलरेडी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हमारी NH पे लगी है। इसके अलावा 3 रिजर्व्स जो हैं उनको और मोबिलाइज किया जा रहा है विद इन द डिस्ट्रिक्ट और जहाँ जहाँ पे जिन जिन पैचेज में ज़्यादा ज़रूरत है फोर्स के अकॉर्डिंगली उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा जो जितने भी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं वो भी जो हैं वो पेट्रोलिंग करेंगे रेगुलर अपने अपने एरिया में 31st की नाइट को। इवन आज से ही शुरू है ये काम क्योंकि आज वीकेंड भी है तो ट्रैफिक फ्लो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा होगा। आज होटल्स और सराय जो जो जिसकी जुरिस्डिक्शन में है वो रेगुलर भी हमारा एक फीचर है लेकिन कीपिंग इन पॉइंट 31st दिसंबर जो है माइंड में रखते हुए उनको स्पेशल इस पे एम्फेसाइज करने के लिए कहा गया है और ये आज से इसको इंटेंसीफाई कर रहे हैं। सोलन से प्रदीप धवन की रिपोर्ट।